हेलो दोस्तों, मैं ईशान शर्मा स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गोल्डन रेशियो के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम समझते हैं गोल्डन रेशियो होता क्या। गोल्डन रेशियो को हम गोल्डन सेक्शन, गोल्डन मीन और डिवाइन प्रोपोर्शन भी कहते हैं, और ग्रीक भाषा में इसे फाई कहते हैं। फाई की जो वैल्यू, फाई या गोल्डन रेशियो की वैल्यू जो होती है 1.618 होती है, ठीक है, जो कि फिबोनाची सीक्वेंस से निकली है। फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है, जो सम होता है दो डिजिट पहले का। जैसे कि आप मान लीजिए 0 + 1 = 1, तो ऐसे सीक्वेंस बनती रहेगी। 0 इससे पहले कोई डिजिट नहीं होती, इसलिए ये 0। अब मान ली, अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 0 के बाद क्या आता है 1, और 1 से पहले क्या आता है 0, तो ये आता है 1, ठीक है। अब अगला इसमें आता है 1 + 1 = 2, ऐसे ही हम इसको ऐड करते रहेंगे, इन्फिनिटी तक जाएगा। अब गोल्डन रूल, गोल्डन रेशियो के दो रूल होते हैं, मतलब एक ही रूल होता है, उसके दो पार्ट होते हैं, जिसमें ये जो बड़ा पार्ट है लॉन्गर साइड, इसको ए से डिनोट करेंगे, और जो शॉर्टेस्ट साइड होगी या स्मॉलेस्ट साइड होगी उसे बी से, और जो इन दोनों का सम होगा ए प्लस बी, हम अगर इसे ए से डिवाइड करें तो इसके जो वैल्यू निकलनी चाहिए वो आएगी 1.618, ठीक है। ये अगर इसकी वैल्यू नहीं आती तो इसका मतलब हमारे या तो वो प्रॉपर गोल्डन रेशियो में नहीं है, या तो हमारी इक्वेशन सही नहीं है, ठीक है। अब इसके रूल होते हैं, मतलब अब इसे डिज़ाइन में कैसे यूज़ करते हैं, तो डिज़ाइन में जो यूज करते हैं उसको चार भागों में डिवाइड किया गया है। पहला टाइपोग्राफी एंड डिफाइनिंग हायरार्की। हायरार्की क्या होता है कि हमारा विजुअलाइजेशन, कि अगर मान लीजिए यहाँ पे एक बटन हुआ और यहाँ पे लोगो है, हमें बटन और लोगो को अलग अलग दिखाना है, इसलिए हम लोगों की थोड़ी सी ओपेक्सिटी हाई रखेंगे लेकिन बटन की कम रखेंगे, क्योंकि हमें हायरार्की बनानी है। इसके भी एक स्पेशल क्लास होगा मैं। अब अगला आता है इसमें कि हम टाइपोग्राफी में कैसे कर सकते हैं। टाइपोग्राफी में जैसे मान लीजिए आपका टॉप सेक्शन जो हेडिंग होती है उसका है 20-point साइज, ठीक है। अब जो मैंने पीछे बताया था कि इसकी वैल्यू होती है 1.618, ठीक है, तो हम यहाँ पे 1.6 से इसको डिवाइड कर देंगे जो 20 है, तो इसका जो भी वैल्यू आएगी हम नीचे का जो सब एडिंग होगा उसी, जितना भी उसका जो पॉइंट आया निकलेगा जो डिवाइड करके उसी में रखेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम 20 को 1.6 से रखेंगे, 1.6 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट आता है क्रॉपिंग एंड रिसाइजिंग। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं कि आपको बस इसमें देखिए यहाँ पे एक वाइट लाइन बन गई है, ठीक है, ये स्पाइरल गोल्डन रेशियो होता है, स्पाइरल गोल्डन रेशियो, ठीक है। इसमें भी इसका देखिए रेशियो 1:1.618, ठीक है, मतलब ये इस साइड में क्रॉप करी गई है। अगला आता है लेआउट। जैसा मैंने आपको वायरफ्रेम वाली क्लास में बताया था कि एक साइड तो होता है हमारा जितना भी कंटेंट लिखा होता है, ठीक है, और दूसरी साइड होता है साइड बार। ये साइड बार को मेन्यू बार, नेविगेशन बार, हैमबर्गर बहुत चीज से डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंटेंट मान लीजिए, अभी मैंने पीछे आपको ये दिखाया, ठीक है, अब ये हमारा कंटेंट हो गया, ये जो था गोल्डन रेशियो हेडलाइन, और जो साइड बार में आएगा यहाँ पे आएगा होम, अबाउट, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये हमारे जैसे आपने ये वाला डायग्राम देखा था, यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है, और यहाँ पे बड़ी चीज़। अब यहाँ पे हम इसे यहाँ पे बड़े फॉन्ट पर लिखेंगे, यहाँ पे छोटे छोटे करके चलेंगे। अब अगला आता है इसमें लोगो डेवलपमेंट। लोगो डेवलपमेंट ये मेन है, मतलब मेन भी नहीं बोल सकते, लेकिन जो गोल्डन रेशियो से सबसे ज़्यादा काम होता है उसका लोगो डेवलपमेंट में होता है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि अब ये रूल समझने के बाद इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, तो चलिए मैं आपको सीधा स्ट्रक्चर बताता हूँ। अब स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले आप एक स्क्वायर लेंगे, 1000 पिक्सल जितनी भी ऐड रख सकते हैं, मैं 1000 रखूँगा, ठीक है, और इसे सेंटर में कर लूँगा। सेंटर में इसे वाइट,
सेंटर में करके वाइट कर लिया। अब क्या करना है मुझे, ये जो हमारे पास रेक्टेंगल है इसको हमें डिवाइड करना है 1.618 जो कि वैल्यू होती है गोल्डन रेशियो की। इसे एंटर, ठीक है, हमारे पास एक ही आ गया रेक्टेंगल अब, ठीक है, साइज है इसका 618, ठीक है। पॉइंट के बाद की वैल्यू आप नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा ये बन गया, अब इसकी एक कॉपी लेंगे हम और दोबारा सेम प्रोसेस हम दोबारा रिपीट करेंगे और डिवाइड करेंगे इसे 1.618 से। ये प्रोसेस अब मैं 4-5 बार दोहराऊंगा, मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करूँगा। ठीक है, हमारा ये गोल्डन रेशियो तैयार है। गोल्डन रेशियो आप इसे टेबल बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसके एक कॉपी लूँगा, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, ठीक है। इससे क्या करूँगा, मैं इसके बीच में सर्कल बना दूंगा। ये मैंने कॉपी पेस्ट इसलिए किया ताकि मेरा स्टेप आसान हो जाए, मैं सर्कल लेके सर्कल बनाता, इससे अच्छा मैंने सीधा एक बार कॉपी पेस्ट कर लिया और उसका रेडियस, बॉर्डर रेडियस मैक्सिमम पे कर दिया, जितना भी उसे सर्कल बनने के लिए चाहिए हो, ठीक है। इसमें जितनी भी शेप इस्तेमाल हुई है सारी स्क्वायर है, ठीक है। यह आपका एक स्ट्रक्चर बन गया, आप इसे बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, छोटा चाहे छोटा कर सकते हैं। अब वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको ट्विटर के लोगों पे इसका इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इस सर्कल से ही बना है पूरा। और ट्विटर का अगर आप जाके, अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे ट्विटर लोगो बाय गोल्डन रेशियो, तो आपको कुछ ऐसा सही शो हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ लोगो दिखाता हूँ जो गोल्डन रेशियो से ही बने पूरे। ये वाले जितने लोगो दिख रहे हैं आपको सारे गोल्डन रेशियो में बने। उम्मीद है आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो से मिल गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम हो इस गोल्डन रेशियो से तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या तो अगर आपको खुद से पढ़ना हो इसके बारे में तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके खुद रीड करके पढ़ सकते हैं इसके बारे में। और अगर अभी कोई इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं, या तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिना फॉलो किए भी पूछ सकते हैं, मैं सबके लिंक आपको नीचे दे दूँगा। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, पीस।